न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं अपना न्यू व्लॉग लेके आ गई हूँ, अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं यहाँ पर काट रही हूँ पालक, और मैं बनाऊंगी आज पालक पनीर की सब्जी, जो कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज उन लोगों की फरमाइश है कि पालक पनीर खाना है, तो मैं बना रही हूँ पालक पनीर, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है गाइज। आप लोग देखना मैं कैसे बना रही हूँ। एंड इस व्लॉग में आपको सब कुछ मिलेगा, मेरा पूरे दिन का रूटीन, मैं क्या क्या करती हूँ, है ना। और अपनी मैंने हेयर केयर और अपना फेस केयर आज मैंने सब कुछ इसमें मैंने डाला है, जो मैंने फेशियल और जो मैंने हेयर ऑयलिंग की है, और मैंने जो खाना बनाया है बच्चे को पढ़ाना लिखाना और सब कुछ, मतलब इसमें मेरा है इस वीडियो में। और जितना हो सका मैंने इस वीडियो में ले लिया है, बाकी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अगर मैं पूरा ही सब कुछ लूँगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने छोटी सी ही क्लिप में सब कुछ थोड़ा थोड़ा ऐड करने की कोशिश करी है, और थोड़ा बहुत रह गया है तो आप लोग समझ जाना, बाकी जो मेन नहीं है वो मैंने छोड़ ही दिया। जैसे झाड़ू पोछा वगैरह भी मैंने करा है, वो मैंने अभी स्किप कर दिया है, तो वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, तो क्योंकि वो भी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ मैं काट रही हूँ पालक, और मैं इसके बाद बनाऊंगी पालक पनीर की सब्जी, बहुत टेस्टी बनती है गाइज। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करना, एंड जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करो, एंड कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लाइक बटन प्लीज़ प्रेस कर देना, एंड बेल आइकन भी प्लीज़ प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। बस मेरा यहाँ पालक, मैंने एक्चुअली ये जो वीडियो है थोड़ी स्पीड में कर दी है, तो क्योंकि सब्जी काटते वक्त का थोड़ा लंबा प्रोसेस था, इसलिए मैंने बहुत स्पीड में कर दिया है। और इसको काटने के बाद मैं तुरंत इसको अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि पालक जो है इसमें काफ़ी मिट्टी थी, और होती भी है क्योंकि ये खेतों में बनती है। जो भी देखो मेरा बन कट गया है, और बस अब मैं जल्दी से इसको वॉश करूँगी 4-5 पानी से, और इसको फिर मैं बनाऊँगी। तो ये बहुत टेस्टी बनता है, आप देखना। और उसके बाद का जो मेरा प्रोसेस है वो भी आप देखना, मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, मेरा क्या रूटीन रहता है, प्लीज़ आप लोग जरूर देखना। जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि इसको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मेरी बेटी बैठी है, वो ही मेरी वीडियो बना रही थी, तो मैं उससे बातचीत भी कर रही हूँ। बहुत छोटी है, वो कहती मम्मा मैं बनाऊँ, तो मन के कोई बात नहीं बना दो, जबकि मेरे को ये शूट नहीं करना था, तो उसने खुद ही बनाया है, मेरी बेटी ने मेरी वीडियो, और वो इसलिए मैं बार बार देख रही थी कि पता नहीं वो सही बना भी रही है कि नहीं। और पहले मैंने सब्ज़ी काट ली है और बना रही हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी, क्योंकि फिर लेट हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी से पहले मैंने सब्ज़ी बना के बाद में मैं नहाई हूँ, और इसके बाद मैं नहाऊँगी। और ये देखिए मैं बहुत अच्छे से धो रही हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है, और घर पर मैंने काटा है तो काफ़ी टाइम लग गया, बाहर से कटा कटाया भी मिल जाता है वैसे तो पालक, पर मैंने सोचा घर पर ही काट ले, क्योंकि कटा कटाई में सब कुछ ही काट देते हैं वो, गंद वगैरह सब कुछ ही मिक्स कर देते हैं, तो मैंने घर में काटना ज़्यादा सही समझा, तो इसलिए मैंने घर में ही काट के, थोड़ा टाइम जरूर लगा है पर हो गया। और यहाँ देखिए मैं काट रही हूँ पनीर, और इसमें कैसे भी मैं, वैसे तो मैं चूड़े पीस रखती हूँ फिलहाल, अभी मैं ज़्यादा चूड़े नहीं करूँगी, इसको इक्वल में मैं काट लूँगी। और पनीर काफ़ी, मेरी बच्ची तो यहाँ पर बैठे बैठे पनीर को खा रही थी कच्चा ही, तो मैंने कहा पहले कम पनीर है तू और कच्चा खा ले, तो उसने कुछ खा लिया यहाँ पर, और एक दो मैंने भी खा लिया, तो इसलिए थोड़ा कम हो गया। और बस मेरा, मैंने देखो वहाँ पर साग चढ़ा दिया है, और साग जैसे ही हो जाएगा मैं उसको अच्छे से घोटूंगी, क्योंकि उसको अच्छे से घोटना बहुत ज़रूरी होता है। और गाइस मैं जो हूँ मैं मशीन में नहीं करती हूँ साग को, मैं हाथ से ही उसको धानी से घोटती हूँ, और बाकी जो उसका मसाला होता है वो मैं ज़रूर मशीन में करती हूँ, ये वाली मशीन में, चॉपर में, वो भी मिक्सी में नहीं करती हूँ, मिक्सी में वो ज़्यादा हलवा टाइप का हो जाता है, तो मुझे पसंद नहीं है, मिक्सी में कुछ भी मैं नहीं करती हूँ। और यहाँ पर मैं लहसुन अदरक वगैरह छिल रही हूँ, और एक प्याज डालूंगी, लहसुन अदरक इसमें ज़्यादा मेथी नहीं, बस यही डलता है,
और अगर साग बना रहे हो या कुछ हरी सब्जी बना रहे हो, अगर आप उसमें अदरक लहसुन नहीं डालते तो मुझे लगता नहीं कि कुछ टेस्ट आता होगा, तो इसमें ज़रूर डालना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैंने चॉप कर दी है प्याज टमा प्याज वगैरह अदरक लहसुन सब चॉप कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हींग डाल के और मैंने ये डाल दिया है, भून दिया है। उसके बाद मैं उसमें टमाटर ऐड करूँगी। उसके बाद ये देखो मैंने साग यहाँ पर अच्छे से मिलाई सा घोट लिया है, उसके बाद मैंने उसमें साग ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें पनीर की जो लास्ट में सबसे लास्ट में पनीर के पीस इसमें डालती हूँ। उसके बाद ज़्यादा नहीं बनाना, पूरा बनाने के बाद ही करना है। और मैंने ये जो पालक पनीर है मैंने देसी घी में छोका है, इसलिए वो थोड़ा सा नीचे लग रहा था, देसी घी में ही बनाया मैंने और ऊपर से भी देसी घी डाला है। तो गाइस बताना कैसे लगा आपको मेरा पालक पनीर। और यहाँ पर मैं नहा धो के 4 बज गए थे तो मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैंने रोटी वगैरह खा ली थी, तो नहा के ये चाय बना रही हूँ। उसके बाद मैं ये देखिए मैंने मेकअप किट नहीं ली थी, न्यू है ये मेरी, मैं आपको दिखा रही थी कि मैं न्यू लाई हूँ ये मेकअप किट, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी, दिखा रही थी। एंड गाइस के बाद मैं इवनिंग में यहाँ पर देखो हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ अपने बालों की, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पता है मैंने कल मेहंदी लगाई थी बालों में, 1-2 दिन पहले मेहंदी लगाई थी, तो उससे मतलब उसके बाद कहते हैं ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए बालों में, थोड़ा मसाज जरूर करनी चाहिए, तो वही मसाज मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कल है अपना हेयर वॉश करना है। तो शैम्पू करने से पहले एक बार मैं अच्छे से मसाज जरूर करती हूँ अपने बालों को, नाइट में कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं शाम को अपने बालों में लगा रही हूँ ऑयल, एंड इसके बाद मेरे को अपना थोड़ा फेस केयर भी करना है, फेशियल भी करना है, तो हल्का फुल्का मैं थोड़ा अपना स्किन का थोड़ा मैं दिखाऊंगी आपको, मैं करूंगी, और पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगी गाइस, तो क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसलिए जो भी मैं छोटा छोटा मैंने ऐड किया है, आई होप आपको पसंद आएगा गाइस, तो प्लीज़ आप फुल इन्जॉय कीजिए। एंड प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, प्लीज़ 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 रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है तो प्लीज़ आप लोग उसको प्रेस जरूर कर देना, एंड मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, लाइक कमेंट करना गाइज, आप उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, आपको क्या मेरी वीडियो में अच्छा लगता है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना प्लीज़। एंड चलिए ठीक है, आप जो भी मेरी वीडियो रहेगी है प्लीज़ आप देखें, और मैं अभी यहाँ पर एंड करती हूँ बोलना, एंड आप प्लीज़ कंटिन्यू देखना और मैसेज जरूर ड्रॉप करना आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा छोटा सा व्लॉग, और यहाँ पर मैं हेयर मसाज कर रही हूँ अच्छे से, तो ठीक है गाइज, बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए मेरी वीडियो को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।